please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. और एक अहम खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर उल्लंघन किया है जिसमें बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया है, साथ ही साथ कुछ आम लोग भी इसमें घायल हुए हैं। अभी भी पाकिस्तान की ओर से लगातार फायरिंग जारी है और पिछले तीन दिन में पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग में बीएसएफ के दो जवान शहीद हो चुके हैं, पांच नागरिक इसमें घायल हुए हैं। पाकिस्तान की ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हीरानगर सेक्टर, सांबा सेक्टर, आरएसपुरा सेक्टर और अरनिया सेक्टर में गोलाबारी पाकिस्तान की ओर से लगातार जारी। सुबह लगभग 4 बजे के आसपास ही पाकिस्तान की ओर से जो फायरिंग की आ रही है उसमें एक हमारे बीएसएफ के जवान जो जबल पोस्ट पे जख्मी हुए थे उसके बाद उनकी वो शहीद हो गए। तो पाकिस्तान की तरफ से जो क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की जा रही है या सीज फायर वायलेशन जो हुआ है उसमें अभी तक एक लड़के को स्प्लिंटर इंजरी है और बाकी जगह पे जितने भी लोगों का रेस्क्यू है वो हम कर रहे हैं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी फोनलाइन पर मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, लगातार ऐसे में जबकि भारत सरकार ने कह दिया है कि रमजान के महीने में अब अपनी ओर से जवाबी कार्रवाई नहीं होगी लेकिन सीमा पार से हो रही फायरिंग का जवाब दिया जाएगा, क्या हालात ऐसे में दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। आपने खुद देखा रमजान के महीना था, रमजान का जब महीना शुरू हुआ तो एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल डिसीजन लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उन्होंने कहा कि हम सीज फायर का जो है सीज फायर इंप्लीमेंट करेंगे और उसी के तहत जो भी इंटरनल जो सिक्योरिटी के जितने भी ऑपरेशन एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन है उनको हॉल्ट पे रखा गया है जब तक रमजान का महीना खत्म नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहा है और जिस तरह से वो पाकिस्तान ने फायरिंग की है और हमारे जो चार नागरिक हैं उनकी मृत्यु हुई है, एक बीएसएफ का जवान आज शहीद हुआ है और उसके साथ 12 से ज्यादा जो नागरिक हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, ये दर्शाता है कि पाकिस्तान की जो 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 उसका जो रवैया है हिंदुस्तान के प्रति, हमारे देश के प्रति, वो बदला नहीं है। और उसी के परिणाम भारतीय फौज ने भी जितनी भी फायरिंग हुई है, चाहे वो आरएसपुरा सेक्टर में हुई है, अरनिया सेक्टर में हुई है या रामगढ़ जो हमारा सांबा सेक्टर है सुबह से, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और पाकिस्तान को भी बारिश की हुई है उसकी सूचना हमें आ रही है। लेकिन पाकिस्तान की जिस तरह से ये हुई है उससे फिर ये एक्सपोज हो गया है और कहीं ना कहीं जो हमारी डिसीजन है जो सीज फायर का हमने जो डिसीजन लिया है उस पर भी थोड़ा सवालिया निशान लग रहा है, क्योंकि हमें पहले देखना चाहिए था कि पाकिस्तान की जो जो पाकिस्तान है क्या वो उसको उसको रेस्पॉन्ड करता है, तो इसका बिल्कुल मतलब यानी भारत की ओर से इस नरम रवैये पर भी सवाल कि आखिर पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा तो ऐसे कदम क्यों उठाए जा रहे हैं। समीर, शुक्रिया फिलहाल। राजधानी दिल्ली के लुटियंस इलाके को देश के सबसे ज्यादा साफ सुथरे इलाके के तौर पर चुना गया। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री ने देश के 4,203 शहरी इलाकों का सर्वे किया जिसमें लुटियंस दिल्ली साफ सफाई के मामले में सभी छोटे शहरी इलाकों में पहले नंबर पर है। एमपी का इंदौर लगातार दूसरे साल शहरी नगर निगमों के सर्वे में पहले नंबर पर रहा जबकि इसी कैटेगरी में भोपाल भी लगातार दूसरे साल दूसरे नंबर पर रहा। शहरी नगर निगमों में सफाई के मामले में चंडीगढ़ तीसरे नंबर पर रहा। वहीं सबसे ऊंची छलांग लगाते हुए गाजियाबाद 351 से 36वीं पायदान पर पहुंच गया। साफ सफाई के पैमाने पर झारखंड, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ देश के सबसे बेहतर 3 राज्य बने। केंद्र सरकार जल्द ही साफ सफाई रखने वाले 52 शहरों को 12 अलग अलग कैटेगरी में सम्मानित करेगी। बीजेपी प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि येदियुरप्पा जी विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध कर दें। कर्नाटक में जो राजनीतिक उथल पुथल है उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि बहुमत परीक्षण जो है वो कल हो। इस बाबत बीजेपी के प्रवक्ता हैं आधिकारिक प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री जी। सर, फर्स्ट रिएक्शन क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग तो शक्ति परीक्षण के लिए तैयार हैं। हम लोग तो शुरू से ही कह रहे थे कि शक्ति परीक्षण तो किसी पार्टी के कार्यालय में या सुप्रीम कोर्ट में तो हो नहीं सकता है, ये तो जब भी होगा तो विधानसभा के फ्लोर पर होगा। 15 दिन की बजाय कर दिया गया है समय कल 4 बजे तक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब हमारी पार्टी के लोग सारे लोग और येदियुरप्पा जी इसके लिए तैयार हैं तो मुझे लगता है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अदालत में जो आपके वकील हैं वो अपोज कर रहे थे, वो समय ज़्यादा मांग रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील नहीं सुनी और कहा कि नहीं, हर हाल में 4 बजे होगा कल। नहीं, गवर्नर ने तो 15 दिन का समय दिया था, ऐसे में ये स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा समय चाहेगा, पर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी समय दिया है
ये पर्याप्त समय है और येदुरप्पा जी में पूरा विश्वास है कि अपना बहुमत साबित करेंगे। उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को बंगले खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस सीएम योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद जारी किए गए। नोटिस के मुताबिक बंगला खाली कराने के लिए पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिन का वक्त दिया गया है। बंगला खाली कराने के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्रियों के घर पर नोटिस लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि पद से मुक्त होने के बाद मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगलों में रहने का कोई हक नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों के मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, मायावती, एनडी तिवारी, कल्याण सिंह और राजनाथ सिंह को लखनऊ में सरकारी बंगले मिले हुए हैं। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक फैसला करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि कल फ्लोर टेस्ट क्यों नहीं हो सकता। स्वागत करते हैं, कल फ्लोर टेस्ट होने से बहुत अच्छा होगा। भारतीय जनता पार्टी का गलत भरोस खत्म हो जाएगा और इसके पास स्ट्रेंथ है साबित हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा समय देने से इनकार कर दिया। मुकुल रोहतगी ने मंडे तक का समय मांगा था, उन्होंने कहा हम ज्यादा समय नहीं दे सकते। बहुत ही अच्छी निर्णय है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। जो भरोसा ढूंढने लग रहे थे वो भरोसा दोबारा कायम हो जाएगा। जो क्योंकि देश के कर्नाटक के लोग एक मैंडेट दिया है समय से सरकार बनाने का, इसलिए भारतीय जनता दल और कांग्रेस एक होके एक सरकार बनाएंगे जल्द से जल्द। मेरा आखिरी सवाल, क्या आपके सारे विधायक इकट्ठा है बहुमत साबित कर देंगे और क्या वो कल तक आ जाएंगे जहां भी है? लाख कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी, कोई जेडीएस या कांग्रेस का विधायक टूटेगा नहीं। आप तैयार है बहुमत साबित करने? तैयार है। ऐसी घमासान के बीच दिल्ली से एक बेहद अहम खबर। शाहीन बाग इलाके में तेज रफ्तार डंपर की टक्कर से एक बच्ची की मौत हो गई है जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। सुबह 7:45 के करीब हुए इस हादसे में 12 साल की लड़की की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसका 14 साल का भाई जख्मी हो गया है। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने कर्नाटक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित। मैम, फ्लोट टेस्ट होना है, कल ही होना है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अच्छा है आदेश, क्योंकि जल्द से जल्द होना चाहिए था। जो उन्होंने 15 दिन का समय मांगा था वो उसमें ठीक नहीं था, बिल्कुल ठीक नहीं था। डेमोक्रेसी के लिए नहीं ठीक था और वैसे भी ठीक नहीं था। मैम, क्या उम्मीद है कल फ्लोर टेस्ट में क्या होने जा रहा है, क्योंकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि उनके पास पूरी मेजोरिटी है। तो कहने दीजिए, उनका कहना है, उन्होंने तो मेजोरिटी को अस्यूम कर ही तो ये वो भी कर दिया, एक मुख्यमंत्री भी बना दिया। तो देखेंगे कल देखकर क्या होगा, लेकिन ये बड़ा अच्छा डिसीजन है। तो शीला दीक्षित का साफ साफ ये कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है ये काफी अच्छा डिसीजन आया है। वीडियो जर्नलिस्ट ईश्वर के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में दोपहर के बाद 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। रात में भी धूल भरी आंधी चलने की आशंका व्यक्त की गई है, साथ ही साथ हल्की बारिश की भी आशंका जताई गई है। दिल्ली NCR में एक बार फिर तेज आंधी और बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। दोपहर के बाद ये आंधी 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। हम सभी कांग्रेस, RTD, हम और माले पार्टी का हमको समर्थन है और सभी विधायक हमारे साथ गवर्नर हाउस प्रेस करने के लिए निकल रहे हैं। हम पार्टी के भी है, माले के भी है। अब तो वहाँ चल के पता चलेगा, लेकिन हमने बताया कि हमारे साथ विधायक भी है काफी। लौट के बाद हम लौट करके आके बात करते हैं। आपको लगता है अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद करते हैं। अगर
सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं करता तो बीजेपी के लोग पूरी तरीके से हॉर्स ट्रेडिंग जैसी चीजें वो करने का काम करते और कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारा लोकतंत्र जो है वो सुरक्षित है। सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि आप मिलने के लिए और ऐसे में आरजेडी के नेता मनोज झा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनोज झा साहब, राज्यपाल से मिलने के लिए आप जा रहे हैं, क्या अगला कदम उठाना चाहते हैं या उनसे क्या मांग को लेकर? देखिए, सीधी सी बात है कि आपको बीते 96 घंटे में जो इस मुल्क में हुआ, जहां मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि हमारी डेमोक्रेसी कब्रगाह में पहुंचाई जा रही है, क्योंकि मोदी जी, अमित शाह जी स्कूल ऑफ मैंडेट मैनेजमेंट हर संस्था को कॉम्प्रोमाइज करवा रहे हैं। नहीं, तो जाहिर है, मनोज झा साहब, ये जो राज्यपाल महोदय से मुलाकात करने जा रहे हैं, उनसे किस तरह के आदेश की अपेक्षा के साथ आप जा रहे हैं? देखिए, जब आप माननीय राज्यपाल जी के पास जाते हैं तो उनको बताने जा रहे हैं कि 27 जुलाई 2017 को हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे साहब, और सबसे सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक भी थे। तो उस समय के जो गवर्नर साहब थे केसरीनाथ त्रिपाठी जी, जो पूर्व में स्पीकर रहे थे उत्तर प्रदेश में और काफी चर्चित थे, तो उन्होंने हमारे दावे को दरकिनार कर दिया, वक्त तक बदल दिया, बीच में नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी को बुला लिया। तो हम उनसे अपेक्षा करते हैं, जब एक बार ये सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट ब्लॉक का मानदंड स्थापित हो रहा है, तो वो बिहार की जनता की डकैती की भी वो तो शपथ के साथ अपनी सरकार चला रहे हैं, आप अविश्वास प्रस्ताव सदन में लाकर सरकार क्यों नहीं गिरा रहे? नहीं, थोड़ा इस बात को ऐसे भी समझिए, ये डेमोक्रेसी के लिए मुल्क में बहुत ही खराब थी जी। अगर 4 जज को आके कहना पड़ता है कि लोकतंत्र खतरे में है, इसमें हमारे मीडिया का साथियों को भी समझना चाहिए। बिल्कुल, तो एक बेहतर कदम की उम्मीद आप राज्यपाल महोदय से भी कर रहे हैं इस मुलाकात से, कि राज्यपाल महोदय इससे भी कोई बेहतर कदम उठाएं और ये हित में हो जो आपकी मंशा है। शुक्रिया मनोज झा। और ये एक तेजी से बनता बिगड़ता बदलता घटनाक्रम सियासी हलकों में, चंद्रमोहन कुमार हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। चंद्रमोहन, लगातार अपडेट देंगे कि आखिर मुलाकात करने अगर आरजेडी के नेता जा रहे हैं तो किस इरादे से और क्या इनका अगला कदम हुआ, अपडेट्स भी लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।